नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। हैदराबाद में चुनाव है तो भैया जी आप लोगों के सामने पेश है अब चुनावी लैला। चुनाव का समय है तो अब लैला ने भी एंट्री ले ली। अब मध्य प्रदेश के चुनाव तो आपको याद ही होंगे, जब आइटम ने एंट्री ली थी, कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम शब्द कहकर संबोधित किया और फिर जनता ने कमलनाथ को आइटम बना दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तो कमलनाथ का मुखौटा पहनकर आइटम सॉन्ग पर डांस भी कराया, जिसकी वीडियो भी काफी वायरल हुई थी। और अब ओवैसी साहब ने अपने आप की तुलना लैला से कर दी। अब ये कौन सी लैला है ये आप तय कीजिए, क्योंकि एक लैला तो प्यार के लिए मशहूर है और दूसरी आइटम सॉन्ग के लिए। अब ओवैसी जी खुद को लैला कह ही रहे हैं तो बस जनता भी अब महफिल लूटने के लिए तैयार है। दरअसल हैदराबाद में चुनाव है और चुनावी सरगर्मी में इस बार ओवैसी के पसीने छूटे हुए हैं। बिहार में मिली जीत के बाद ओवैसी के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे तो इस बार बीजेपी भी दक्षिण के राज्यों में बड़ा उलटफेर करने की सोच रही है। यही वजह है कि पहले योगी पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया और फिर अमित शाह पहुंचे तो हैदराबाद की गली गली में बीजेपी के नारे लगने लगे। यानी कि इस बार AIMIM के सितारे छिपते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी की बिहार जीत पर AIMIM पर आरोप लगे कि वो बीजेपी की बी टीम है। यहाँ तक कि ये भी आरोप लगाए गए कि वो वोट कटुआ पार्टी है। अब इन आरोपों पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले, मेरा हाल ऐसा है कि मैं एक लैला हूँ और मेरे हजारों मजनू हैं। ओवैसी का कहना था कि सभी पार्टियां मुझे मुद्दा बनाकर लाभ लेना चाहती है। ओवैसी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसने हैदराबाद में आई बाढ़ के दौरान यहाँ की जनता की पूरी तरह अनदेखी की। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में ओवैसी ने कहा, बिहार में कांग्रेस ने कह दिया कि मैं बीजेपी के साथ वोट कटवा हूँ, बी टीम हूँ। यहाँ हैदराबाद में कांग्रेस कह रही है कि अगर ओवैसी नहीं तो हमको वोट दे दो, बीजेपी कुछ और कह रही है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। ओवैसी आगे बोले, यानी मैं एक लैला हूँ और हर कोई चाहता है कि मुझे मुद्दा बनाकर वोट हासिल किया जाए। हैदराबाद की जनता ये देख रही है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हैदराबाद के हर पहलू को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, ये बात तो अब जनता तय करेगी। जी बिल्कुल ओवैसी साहब, ये बात तो अब जनता ही तय करेगी। अगर आपने अपने आप को लैला बोल दिया है तो अब देखने वाला है बात होगी कि इस बार के महफिल में कितना मजा आने वाला है। वैसे जानकारों का मानना है कि ओवैसी इस तरह के बयान देकर खुद को चर्चा में बनाए रखना चाहते हैं। इससे पहले भी ओवैसी ने इस तरह की कई बयानबाजी की है जिसके बाद उनकी खूब चर्चा भी हुई, हालांकि पार्टी की थोड़ी सी बदनामी भी हुई है। वैसे अब इस नए लैला पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।